ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास में? बैक ईएमएफ पढ़ेंगे, बैक ईएमएफ, या फिर इसी को हम लोग काउंटर ईएमएफ कहते हैं, काउंटर ईएमएफ कहते हैं। डीसी मोटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग को समझना ज़रूरी है। तो देखिए, हमारा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान के चलो कि हम ही को मान के चलो कि हम रोटर्स हैं, हमारे ऊपर आर्मेचर कंडक्टर्स है, ये सब आर्मेचर कंडक्टर है मान लिया जाए। इधर से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है, इधर से साउथ है। अब देखो हमारा इसमें अगर मान लें कि करेंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो क्या होगा बताओ? घूमना चालू कर दिया, घूमना चालू कर दिया तो बताओ, ये जब घूमना चालू कर देगा तो बताओ, ये फोर्स के कारण तो घूमा, जब घूमना चालू कर दिया तो फ्लक्स को भी काटेगा, और फ्लक्स को भी काटेगा तो बताओ ईएमएफ पैदा होगा या नहीं? यस या नो? यस। यानी कि हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। यानी कि देखो, एक तो हमारा मोटर का प्रिंसिपल्स हम लोग देखें कि करेंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रहा तो ये घूमने लगा, लेकिन जैसे ही घूमना चालू किया तो ये जो मेन फ्लक्स है इसको काटेगा भी, और मेन फ्लक्स को जब कट करेगा तो इसमें क्या होगा बताओ? ईएमएफ पैदा होगा। जैसे हम लोग यानी कि जब हम बात करेंगे, जब हमारा आर्मेचर कंडक्टर आफ्टर रोटेशंस, या बोल सकते हैं व्हेन आर्मेचर कंडक्टर कट करेगा, आफ्टर रोटेशन द रोटेशंस ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर के आर्मेचर क्या करेगा रोटेशंस, दे कट्स द फ्लक्स हेंस EMF will be induced in the coil या in the armature में क्या होगा EMF होगा, और ये armature जो होगा supply voltage का क्या होगा अपोज करेगा, and this EMF opposes the supply voltage को अपोज करेगा, So it is called as back EMF या फिर इसको बोलेंगे हम लोग काउंटर EMF। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया पाक का युद्ध हो रहा है तो बोलते हैं ना काउंटर वार हो रहा है, काउंटर मतलब एक तरह से गोली चल रहा था, दूसरा तरफ से भी गोली चल रहा था, इसको क्या बोलेंगे काउंटर। यानी कि ये जो EMF है सप्लाई वोल्टेज का क्या होगा अपोजिट होने के कारण से इसको हम लोग क्या बोला जाता है काउंटर बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जस्ट जनरेटर्स में भी पढ़े थे, ऐसा मान लीजिए कि मोटर का काम क्या है बताओ, मोटर का काम है मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स डीसी संट मोटर है, मोटर्स में क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए यहाँ से सप्लाई दिए, ये क्या होगा बताओ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, ये साफ क्या होगा रोटेट करेगा, ये हमारा घूमेगा, यहाँ से आर्मेचर करंट इसमें गया आई एल लोड करंट आई एल आ रहा इधर में गया मान लिया आई एस एच करंट है, रेजिस्टेंस आर एस एच है। अब देखो यहाँ पर जो एक ईएमएफ होगा इस ईएमएफ को बोलेंगे हम लोग बैक ईएमएफ बोलेंगे, इस ईएमएफ को क्या बोलेंगे बैक ईएमएफ। देखो करंट के उल्टा डायरेक्शन में अगर ऐसा बैक ईएमएफ पैदा होगा तो करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए था, लेकिन करंट का अपोजिट है इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे बैक ईएमएफ। और हम लोग ऐसा बात कर चुके थे जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ था कितना था बताओ ईजी बराबर कितना P5ZN/60 है, सेम फॉर्मूला मोटर के लिए भी है, लेकिन मोटर के केस में उसको हम लोग बोलते हैं क्या बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ को ईबी से डिनोट करते हैं। बैक ईएमएफ इक्वल टू P5ZN/60 में कितना होगा बताओ 60 है। जनरेटर के केस में है ईजी होता था, ईजी बराबर क्या होता था P5ZN/60 है, सेम फार्मूला है। पी जो है से बताइए क्या है, पी जो है से नंबर ऑफ पोल, फाई जो है से फ्लक्स पर पोल, जेड जो है से टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, एन जो है से बताओ क्या है बताओ स्पीड इन आरपीएम है, ए जो है से नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, क्लियर है। पी जो है से बताओ क्या है पोल की संख्या है, पोल है। फाई जो है से क्या है बताओ फ्लक्स पर पोल है। जेड बराबर क्या बताइए नंबर ऑफ कंडक्टर है। ए जो है से क्या बताइए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, एक चीज़ हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसका आर्मेचर करंट का बात करते हैं, इसका आर्मेचर करंट देखो इसमें KVA लगाएंगे तो देखो क्या होगा बताइए, KVA लगाते हैं देखो -EB, इसका आर्मेचर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उल्टा आ रहा तो माइनस लेंगे -EB, माइनस कितना IARA, और प्लस भी बराबर कितना होगा जीरो, IARA को उधर लेके चल जाते हैं तो IARA इक्वल टू क्या होगा बताओ V-EB,
आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, वी माइनस ई बी, वाई में कितना आर ए। ये क्या बताओ, आर्मेचर करंट, ये जो ऐसे आर्मेचर करंट है। देखो हमारा बैक ईएमएफ क्या बताओ, बैक ईएमएफ कब होता है, जब मोटर घूमना चालू कर देता है। मोटर घूमना चालू होने से क्या होता है बताओ, एक कंडक्टर जो होता है फ्लक्स को काटता है, फ्लक्स को काटने से उसमें ईएमएफ पैदा होता है जिसको बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि वह सप्लाई वोल्टेज का क्या होता है अपोज करता है, इसलिए बैक या काउंटर बोलते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्स में इसका रोल्स ऑफ बैक ईएमएफ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, या सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ हमारा बहुत क्वेश्चन आता है, तो सिग्निफिकेंस का हम बात करेंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, देखो हमारा रोल्स ऑफ बैक ईएमएफ या सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ का हम बात करते हैं इसी टॉपिक्स के तहत। हमारा बैक ईएमएफ का क्या रोल है, बैक ईएमएफ का क्या रोल है, रोल ऑफ, रोल या फिर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या रोल है। जैसे कि देखिए, ध्यान दीजिए बाबू, बैक ईएमएफ के हम रोल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स हमारा आई ए इक्वल टू, अभी पढ़े बाबू बताओ, वी माइनस ई बी बाई आर ए। हम अपना मन से मान रहे हैं, वी बराबर मान ले कि 200 वोल्ट है, ई बी बराबर कितना बताओ, मान ले 190 वोल्ट, आर ए का मान बहुत कम ही होता है, मान ले 0.1 ओम है, ऐसा कुछ मान ली। ऐसा अगर होगा तब आई ए का मान कितना होगा बताओ, 200 माइनस 190 बटा कितना 0.1, 10 बटा 0.1 मतलब कितना एम्पियर होगा बताओ, 100। आई ए का मान मालूम चल गया आपको, कितना मालूम चल गया बताइए, 100 एम्पियर है ऐसा। आई ए का मान 100 हो गया, जब आपको आई ए का मान 100 हो गया, कब हो गया, जब हमारा बैक ईएमएफ हो रहा है। मान ले कि बैक ईएमएफ घूमे और बैक ईएमएफ ना हो, तब देखो कि क्या हो सकता है। इफ ऐसा मान लो कि ई बी बराबर जीरो हो जाए, ई बी बराबर जीरो हो जाएगा, देन देखो आई ए बराबर क्या होगा बताओ, आई ए इक्वल टू देखो 200 माइनस 0 बटा 0.1 कितना हो जाएगा बताओ, 2000 एम्पियर, कितना गुना बढ़ गया बताओ, 20 गुना बढ़ गया ना, 20 टाइम्स हो गया। तो बताओ उस वाइंडिंग से होके 20 गुना करंट जाएगा तो बच पाएगा, डैमेज हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि अगर बैक ईएमएफ नहीं रहेगा तो आर्मेचर करंट बहुत एक्सेसिव हो जाएगा, जिसके कारण वाइंडिंग क्या हो सकता है बताइए, जल सकता है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस, सबसे पहला रोल तो इसका ये है, सबसे पहला रोल नंबर वन है, इट प्रोटेक्ट द आर्मेचर वाइंडिंग फ्रॉम एक्सेसिव करंट। एक्सेसिव करंट से क्या होता है, बचाता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, एक टॉर्क इसमें होता है, बात तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई होता है, अभी इतना ही ध्यान देना, ज़्यादा नहीं ध्यान देना, इसको हम प्रूफ करेंगे कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई होता है। बस हम अभी ये जान लीजिए, अभी हम इसका कुछ यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि जस्ट हमारा टॉर्क डायरेक्टली पर, एक तो हमारा पहला सिग्निफिकेंस हम बात कर रहे हैं, अब हम दूसरा सिग्निफिकेंस का बात कर रहे हैं कि बैक ईएमएफ का और क्या सिग्निफिकेंस है। चलो हम पहला सिग्निफिकेंस बात कर लिए, अब हम बैक ईएमएफ का दूसरा सिग्निफिकेंस बात कर रहे हैं। यानी दूसरा सिग्निफिकेंस, इफ लोड इज सडनली इंक्रीज, अगर हमारा सडनली इंक्रीज कर जाएगा लोड, तब बताओ कि क्या होगा बताओ। लोड को सडनली इंक्रीज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए घूम रहा है, इंक्रीज करेगा लोड तो स्पीड ऑटोमेटिक क्या होगा बताओ, स्लो डाउन होना चाहेगा, तो क्या होगा बताओ, स्पीड जो होगा से क्या होगा, स्पीड इज क्या होगा बताओ, डिक्रीजेज होगा। स्पीड क्या होगा बताओ, डिक्रीजेज होगा, स्पीड डिक्रीज करेगा, स्पीड को डिक्रीज करने से बताओ बैक ईएमएफ डिक्रीज करेगा, इससे क्या होगा बताओ, बैक ईएमएफ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों बैक ईएमएफ डिक्रीज करेगा बताओ, क्योंकि ई बी जो होता है से बताओ क्या होता है बताओ, पी फाइव जेड एन वाई 60 ये होता है या नहीं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक बैक ईएमएफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और बैक ईएमएफ डिक्रीज करेगा देन व्हाट अबाउट द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट क्या होगा बताइए, बैक ईएमएफ को डिक्रीज करने से आर्मेचर करंट क्या होगा बताओ, इज इंक्रीज करेगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, आई ए बराबर क्या होता है बताओ, बी माइनस ई बी बाई आर ए। अगर हम ई बी को डिक्रीज करेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा बताओ, ये माइनस में डिक्रीज करे तो ओवरऑल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि आर्मेचर करंट क्या होगा बताओ, इंक्रीज करेगा। इसको करने से आर्मेचर करंट इंक्रीज किया, आर्मेचर करंट इंक्रीज करने से व्हाट अबाउट द टॉर्क,
टॉर्क इज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्यों? टी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए है, तो टॉर्क को इंक्रीज करने से क्या होगा बताओ, आई ए को इंक्रीज करने से टॉर्क इंक्रीज करेगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टॉर्क इंक्रीज करेगा, ये हमारा स्पीड क्या हो रहा बताओ, डिक्रीज कर रहा, स्पीड डिक्रीज कर रहा धीरे धीरे, लेकिन टॉर्क इंक्रीज कर रहा, तो टॉर्क इंक्रीज कर रहा तो ये स्पीड को एक लिमिट तक जाकर फिर क्या होगा, रोक देगा, यानी कि फिर से और फर्दर स्पीड को डिक्रीज करने नहीं देगा, यानी कि मोटर को बंद होने से क्या होगा बताओ, रोक लेगा, यानी कि ये हमारा, यानी कि बोल सकते हैं कि जिससे कि क्या होगा, यानी कि इस बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है, ये सब होगा, तो आर्मेचर करंट इंक्रीज करने से क्या होगा कि ये टॉर्क क्या होता है बताओ, जो भी हमारा यहाँ पर टॉर्क इंक्रीज कर रहा है, जो भी स्पीड डिक्रीज किया है, इसको क्या किया बताओ, रोक लिया, अगर ये नहीं रहता तो क्या होता है, डैमेज हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका रोल में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल डिक्रीज करने से इसका हम लोग रोल में बात कर सकते हैं, हम लोग रोल में कि द मोटर्स विल स्टॉप स्लोइंग डाउन व्हेन द आर्मेचर करंट इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द इंक्रीज टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड, यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, द मोटर विल स्टॉप स्लोइंग डाउन, दैट इज द मोटर विल स्टॉप स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन व्हेन द आर्मेचर करंट, व्हेन द आर्मेचर करंट, व्हेन द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट इज जस्ट, इज जस्ट सफिशियंट टू प्रोड्यूस्ड, जस्ट सफिशियंट टू प्रोड्यूस्ड, जस्ट सफिशियंट टू प्रोड्यूस्ड इंक्रीज टॉर्क, इंक्रीज टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड, रिक्वायर्ड बाय द लोड, इस टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं छोटो, देखो हमारा ध्यान दो, मोटर विल स्टॉप यानी कि जो स्लो हो रहा था वो क्या होगा, स्लो होना क्या होगा बताओ, बंद हो जाएगा, व्हेन द आर्मेचर करंट इज जस्ट सफिशियंट टू प्रोड्यूस इंक्रीज टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड, यानी कि यहाँ पर आर्मेचर करंट इंक्रीज कर रहा जो कि टॉर्क को क्या करे, इंक्रीज करे, यानी कि एक लिमिट तक आ करके फिर क्या होगा, रुक जाएगा, तो दूसरा एडवांटेज, यानी कि पहला रोल इसका क्या हुआ, अगर वो नहीं रहेगा तो पहला रोल में हम बताएं कि एक्सेसिव करंट के कारण आर्मेचर वाइंडिंग डैमेज कर सकता है, दूसरा क्या है, अगर लोड हमारा सडनली इंक्रीज करेंगे तो स्पीड डिक्रीज होने पर लगेगा, एक लिमिट तक आकर के फिर क्या होगा, रोक देगा, अगर हम बात करें ऐसा ही सेम केस हम बात करें, इफ सडनली अगर हम बात करें लोड इंक्रीज के जगह पर, तीसरा हम बात कर रहे हैं, तीसरा इसका सिग्निफिकेंस या रोल का बात कर रहे हैं, लोड सडनली अगर डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज कर जाएगा, लोड सडनली अगर डिक्रीज कर जाएगा तो हमारा बताओ ऐसे घूम रहा है, लोड सडनली डिक्रीज करेगा तो बताओ स्पीड क्या होगा बताओ, बढ़ना चाहेगा, स्पीड क्या होगा बताओ, इंक्रीज करना चाहेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा तो बताओ एन इंक्रीज करेगा, तो एन इंक्रीज करेगा तो बैक ईएमएफ क्या चाहेगा बताओ, इंक्रीज करना चाहेगा, बैक ईएमएफ आपका इंक्रीज करना चाहेगा, बैक ईएमएफ जब इंक्रीज करना चाहेगा तो आगे देखो, बैक ईएमएफ अगर इंक्रीज करेगा तो ए ओवरऑल क्या करेगा बताओ, डिक्रीज करेगा, ए डिक्रीज करेगा तो आर्मेचर करंट क्या चाहेगा बताओ, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ए डिक्रीज करेगा तो बताओ आर्मेचर करंट डिक्रीज करने से टॉर्क क्या होगा बताओ, डिक्रीज करेगा, ए भी क्या होगा बताओ, डिक्रीज करेगा, यानी कि द मोटर विल स्टॉप क्या, स्लोइंग डाउन नहीं, यहाँ पर क्या एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट कर रहा था, ज़्यादा स्पीड हो रहा था, एक्सेलरेटिंग को स्टॉप कर देगा, अब ज़्यादा तेजी से नहीं घूमेगा, व्हेन द आर्मेचर करंट इज जस्ट सफिशियंट टू प्रोड्यूस्ड इंक्रीज टॉर्क के जगह पर क्या होगा बताओ, रिड्यूस टॉर्क, रिड्यूस टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड, ये तीन सिग्निफिकेंस है, खास करके सेमेस्टर एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बार बार ही क्वेश्चन क्यूब करता है, व्हाट इज बैक ईएमएफ, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैक ईएमएफ, क्लियर है ये टॉपिक, हम आशा करते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चलो हम अगले लेक्चर्स में और मिलते हैं, और आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करने के लिए ऐप में सारा अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है बताइए, अगर यूट्यूब चैनल्स में देख रहे हैं तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें, और बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करके उसमें स्टोर सेक्शंस में जाएंगे तो सारा आपका लेक्चर से टू जेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, कोई अगर दिक्कत भी हो तो आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली 7050403084, कोई भी ऐप को यूज करने में अगर दिक्कत आए तो, जिससे कि आपको क्या होगा डायरेक्टली आप सारा का सारा लेक्चर्स मेरा आप देख पाएगा ए टू जेड लेक्चर्स, ठीक है, थैंक यू ऑल।